मोमेंटम है, लेकिन तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन तापड़िया फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल से हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्विन स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और थोड़ी देर में समित चौहान भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे एंजल ब्रोकिंग से, इनफैक्ट वो जुड़ भी चुके हैं मेरे साथ। तो समित एंजल से है मेरे साथ, कार्वी से जेके जैन है, और मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पारी है, कोई बात नहीं, इस बीच में समित चौहान से पूछ लेता हूं उनका व्यू क्या, क्योंकि समित ने अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया था मार्केट आउटलुक को लेकर, खासकर बैंक निफ्टी को लेकर। समित, जब हमने अक्टूबर की शुरुआत की थी तब थोड़ा सा आपका स्टांस हमको ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होकर ट्रेड करेंगे, खासकर बाय के सौदों पर, लेकिन बाद में आपने भी कहा कि बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा, आपका कन्विक्शन हमारे बड़े काम आया, जो एक बियर है अगर बुल की भाषा बोले तो बहुत अच्छे लगता है। अब आप मेरे को बताएंगे बैंक निफ्टी अभी का स्टांस क्या है, अभी क्या करना चाहिए, अभी बने रहना है हमको? देखिए डिपी, एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुपीरियर, हम लोग को रिस्पेक्ट करने पड़ेगी। तो हमने देखा था कि क्लियरली थोड़ा बहुत मोमेंटम ऊपर की तरफ और अच्छा रहेगा, तो यस वी हैड टू शिफ्ट आवर स्टांस। 10,480-10,500 के लेवल्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ लेट, तो वो लेवल्स अचीव हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सर है, साइकोलॉजिकल एक पड़ाव भी है 10,500 का। तो यहाँ पे आप निफ्टी में थोड़ी बहुत चाल हम स्लो होते हुए देख सकते हैं, जो लास्ट 3-4 दिनों में भी हमने देखा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकता है। सो इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी में यहाँ पे यही सलाह होगी, अगर आपने लोअर लेवल्स पे लॉन्ग किए हुए हैं तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट अभी भी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, जिसका अंडर परफॉर्मेंस हमने क्लियरली ओवर होते हुए देखा था लास्ट वीक, और अभी भी वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। सो विद इन इंडाइसेस अगर हमको किसी को पिक करना है तो हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी के साथ जाएंगे, जहां पे 25,400-25,500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, और ये पोटेंशियल रखता है 25,750-25,800 के लेवल्स दिखा जाए। बट वही है, हमारा यही मानना होगा कि निफ्टी में अभी आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिलेगा, तो थोड़ा मुनाफा वसूली भी आपको टाइमली करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ट्रेड कौन से हैं समित, आप कौन से शेयर सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हमने अच्छे खासे यू नो बाय साइड पे ही हमने मेंटेन रखा था स्टांस, और अभी भी हम सन टीवी के साथ ही जाएंगे, जो हम कंसिस्टेंटली 850 के लेवल से रेकमेंड करते आए हैं, और लास्ट 3-4 दिनों में इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो अभी भी हम सन टीवी के साथ ही जाएंगे, कैश में वॉल्यूम्स इसके काफ़ी अच्छे है, अगर हम डेरिवेटिव फ्रंट पे देखें तो इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से 928-935 के लेवल दिखा जाए। अभी थोड़ा स्पर्ट आया लास्ट 10 मिनट में, 888 के आसपास था, अभी 900 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक माइनर डिप पे अगर मिलती है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 874 का स्टॉप लॉस रखिए, 928-935 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा भाई वो कार्ड में रहेगा, वो भी हम रेगुलरली इसमें रेकमेंड करते हैं, और हमने कल एक फ्राइडे को हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट भी देखा था। तो इसमें मोमेंटम 755 तक एक्सटेंड हो सकता है, 678 का स्टॉप लॉस रहेगा। और थर्ड भाई माइंट्री पे रहेगा, जिसमें अभी भी हम हमारा पॉजिटिव स्टांस मेंटेन रखेंगे। 470 मेजर सपोर्ट है, 78 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, 502-505 के टारगेट्स रहेंगे। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ नताशा शंकर हैं और साथ ही समित चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो समित, कैसा लग रहा है आपको मार्केट? देखिए 33,800 आज भी पार हो गया, अच्छे नंबर्स जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा थंपिंग रिस्पॉन्स दे रहा है इन लेवल्स पर होने के बावजूद, और री रेटिंग जो है वो एक एक दिन में प्ले आउट हो रही है स्टॉक्स पर। देखिए ऑब्वियसली मार्केट ने एक अच्छा रनअप दिया हुआ है, और अगर हम लास्ट 1-1.5 महीने की प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे कोई भी आपको मेजर गिरावट नहीं है। इनफैक्ट हमने ग्रेजुअल मूव दिखे विद इन दिस, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो वो काफ़ी इंकरेजिंग रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी यू नो मार्केट भले उसका पेस स्लो हुआ है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, बट एट द सेम टाइम आपको यू नो टाइमली प्रॉफिट भी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 10,500 का। तो ये लेवल एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मुनाफा वसूली मिलेगा और कंसोलिडेशन मिल सकता है इंडेक्स में। ठीक है समित, समित BHEL के नंबर्स हर पैरामीटर पे ठीक नजर आ रहे हैं, नंबर से पहले का ही अनुमान है, आप इसमें एक सौदा कैरी करके जा सकते हैं, 99 पे चल रहा है, हालांकि चला है 85 से आ गया 100 रुपया, ये अभी आप सौदा कैरी करेंगे इसका?
देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि स्टॉक ने एक अच्छी खासी ऑलरेडी रैली दी है 82-84 के लेवल से। इफ यू रिकॉल दो वीक पहले भी हमारी बात हुई थी अराउंड 86-87। तो हमारा नियर टर्म लक्ष्य ये स्टॉक के लिए यू नो 100-102 था जो ऑलमोस्ट अभी अचीव हो गया है। तो यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेंगे बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने हैं और आप बैलेंस क्वांटिटी अभी भी रख सकते हो। स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, 105-107 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में इसमें दिख सकते हैं जी। साथ ही सिप्ला पर आपकी राय क्या होगी समेत? सिप्ला पर व्यू क्या है आपका? बिकॉज फार्मा में वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी रिन्यूड इंटरेस्ट मार्केट में है इस समय। देखिए मेरे लास्ट 1-1.5 महीने से हम क्लियरली यू नो ओवरऑल ओवरऑल अगर फार्मास्यूटिकल स्पेस देखिए तो उस पर काफ़ी अपबेट है। सन फार्मा, सिप्ला, वोकार्ड, यू नो डिवीज लैब ये हमारे प्रेफर्ड बेट्स रहे। अभी भी थोड़े पहले टाइम पहले मैंने वोकार्ड रिकमेंड किया था अराउंड 700 के आसपास जिसमें एक अच्छा खासा स्पॉट है। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस में हमें लगता है कि ये पॉजिटिव ट्रैक्शन और कंटिन्यू रहेगा। अगर सिप्ला की बात करें तो 665-668 के नेक्स्ट लेवल्स हम देख रहे हैं। वोकार्ड की अगर बात करें तो 750 तक का ये स्टॉक इमीडिएटली एक अप मूव दे सकता है। बिल्कुल, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं, मिड कैप के गेनर्स को भी देख लेते हैं। इसमें इन्फीबीम है, इस पर काफ़ी अच्छा रुझान है, ये 14% ऊपर है। अदानी एंटरप्राइज ये करीब 7% चला है। टाटा ग्रुप के कई स्टॉक्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। देन देयर इज अदानी पावर, डिश टीवी, यूनियन बैंक, इन सभी पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। समेत इनमें कोई स्टॉक है ऐसा जो आपके रडार पर हो इस समय? क्या रिपीट करोगे मीर? इन्फीबीम, अदानी, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, एक्चुअली मिड कैप का जो मोमेंटम स्पेस है उसे अगर आप देखें। देखिए इसमें टाटा ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर लास्ट हम 2-3 महीने की इसकी प्राइस एक्शन देखें लगातार उन्हों कोई भी माइनर डिप्स आती है तो वहाँ पे हम अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। आज भी अगर देखें तो लास्ट 4 दिनों की प्राइस एक्शन है उसको इसने क्लियरली एंगल्फ किया हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टाटा ग्लोबल क्लियरली अच्छा है एंड इट इज़ पॉइज्ड फॉर मच हायर लेवल्स। एटलीस्ट आप नियर टर्म में 244-246 के लेवल्स इस स्टॉक में देख सकते हो। ठीक है, ONGC आज डे हाई पे भी है। ONGC पे समित आपके रिकमेंडेशन क्या, आप होल्ड करेंगे इसको? 200 का लेवल हो चुका है, पिछली बार के क्वार्टर में 150 था ये। जी हाँ, डेफिनेटली होल्ड करेंगे। देखिए डिप्पी लास्ट वीक भी हमने इसमें यू नो ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी दी थी, 180 कॉल बाय करने की सलाह दी थी जिस स्टॉक में एक अच्छी खासा एप्रिसिएशन दिखा हुआ है। तो हमें लगता है ये स्टॉक 210 का लेवल आने वाले कुछ दिनों में और कुछ वीक्स में ये स्टॉक 225 से लेकर 228 के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, यूनिप्लाई, ये सभी शेयर्स 3-3, 4-4% अभी ऊपर हैं। कोई वैसा ट्रिगर नहीं है, कोई अर्निंग का ट्रिगर नहीं है, लेकिन GST का ट्रिगर है। शायद इनको हो सकता है कुछ 28% वाले ब्रैकेट से रिलीफ आ जाए। आप इसमें सेंचुरी प्लाईबोर्ड को भी जोड़ सकते हैं आप, तो ये बैठक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पे ध्यान रखना होगा। समित, कोई ऐसी कंपनी, हालांकि नॉन एफएंडओ वाली कंपनीज है सारी, किसी को ट्रैक करते हैं आप इसमें GST से जुड़ी हुई? नहीं, देखिए क्लोजली तो ट्रैक नहीं करते हैं बट है जिसमें वॉल्यूम थोड़े लोअर साइड पे है तो ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे पोजीशन नहीं ली जा सकती। बट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है और जैसे लास्ट 4-5 दिनों में इसमें मूवमेंट आई हुई है उसके चलते स्टॉक ने एटलीस्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, 315-320 के लेवल्स मिल सकते हैं। बट मैं यही मानूंगा कि जो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम रहते हैं उसमें ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन मत दीजिए। ठीक है, एक शेयर और है आज, आज का सौदा के तौर पर हमने रखा था, वो था कजारिया सेरेमिक्स। एक बार आप इसको भी देख लीजिए समित, ये क्या 700 के लेवल को पार होकर क्लोज कर सकता है? अभी बिल्कुल 700 के आसपास ही है, डी हाई पे ऑलमोस्ट 4% की बढ़त के साथ। देखिए कर सकता है, स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है ऑफ लेट और यहाँ से एक रिकवरी आई है 670 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से। तो 700 का लेवल तो ये ब्रेक कर सकता है बट ऊपर की तरफ इसको इमीडिएट 710 के आसपास हर्डल है जो एटलीस्ट नियर टर्म में एक मेजर बैरियर रहेगा। तो हमें लगता है अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 710 के लेवल के आसपास थोड़े बहुत मुनाफा उस लिस्ट में कर सकते हैं। से और नवंबर से इसके शुरुआत से एक शेयर हमारी ग्रुप कंपनी का काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, डिश टीवी। ये लगातार हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। अभी देखिए 80 का है, कुणाल तो कह रहे हैं कि टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है क्योंकि एफएंडओ का शेयर है इसलिए इसके एफएंडओ का डाटा भी समझना होगा। समित, ये आखिरी शेयर होगा आपसे, डिश टीवी के बारे में पूछ रहा हूं आपसे कि कैसे है इसका एफएंडओ का स्ट्रक्चर, ये ठीक है क्या, इस पूरी सीरीज के लिए रख सकते हैं?
देखिए पूरी सीरीज के लिए बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक कंसर्ट हुआ एक अच्छे खासे अंडर परफॉर्मेंस के बाद, और कहीं ना कहीं इसका एक नो 78-79 के आसपास एक बैरियर था, वो आज उसने हर्डल किया, क्रॉस किया हुआ है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी भी देखिए तो इसमें नो फ्यूचर्स में थोड़े बहुत लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसकी जो 80 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और एज अ डिस्क्लोजर हमने आज ये ऑप्शन सेगमेंट में रिकमेंड भी किया हुआ है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एटलीस्ट मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, 85-86 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। ठीक है समित, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि आपको स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपके क्लाइंट्स के पास भी है, तो इससे हमारा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ ठीक है, ये बेहतर चीज़ है, आपने भी नोटिस इसको किया है। कुछ एक और शेयर्स जो आज बिल्कुल नहीं चल